अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू तो माय चैनल अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे मज़े में होंगे मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में तो जनाब आज का व्लॉग भी शाम में स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग भी सोच रहे होंगे कि गुल को क्या हो गया आजकल तो ये कम्प्लीट वेजिटेरियन बनी हुई है लेकिन मैं आपको बताती हूँ इसके पीछे की स्टोरी क्या है पहले ये आपको दिखाऊँ ये देखें जिब्राइल अपना स्टिकी नोट रख के गई है कि उसकी टीचर ने उसको कुछ मीटिंग्स के टाइमिंग्स थे तो उसने वो स्टिकी नोट रखा कि अम्मा इसमें से कोई आप मीटिंग जो है ना वो कर लीजिएगा बुक तो ये मैंने कहा स्टिकी नोट दिखा रही थी तो उसके साथ आपको उसकी डिटेल भी बता दूँ अभी आपको लेके चलती हूँ दिखाती हूँ कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ आटा गूंध रहा है और इधर मैं जा रही हूँ जनाब आलू बॉयल हो रहे हैं आज हम क्या बनाने वाले हैं जी आज हम बनाएंगे आलू के पराठे और आप लोग कह रहे हो कि गुल जो है ये मुझे लगता है कि टर्न हो गई है वेजिटेरियन बंदे में तो जनाब आप सोचें कि पिछले इतने अरसे से मैं दावतें कर कर के और उनका बचा हुआ फ़ूड खा के और ख़ुद भी पका पका के मीट की चीज़ें मैं तंग आ गई थी तो काफ़ी दिनों से मेरा दिल कर रहा था कि मैं बिल्कुल नॉन वेज चीज़ें जो है ना वो छोड़ दूँ और मैं सिर्फ वेजिटेरियन फूड खाऊँ तो पिछले दो दिन से जब से मैं खा रही हूँ ना मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है मैं इतना पेट भर के खाना खाती हूँ तो मुझे बड़ी ही अच्छी फीलिंग आती है तो चलिए आज आपको देती हूँ जी पंजाबी जो होते हैं आलू के पराठे उसकी रेसिपी तो उसके लिए मैंने लिए हैं जी आलू आप कह ले कि मैंने चार से पाँच मीडियम साइज़ के आलू लिए उनको मैंने अच्छे से बॉयल किया बॉयल करने के बाद मैंने उनको कर लिया है जी मैश साथ में मैंने लिए है सब्ज़ धनिया ये वन कप ऑफ सब्ज़ धनिया इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया वो डाल दिया उसके बाद मैंने लिए हैं सब्ज़ मिर्चें सिर्फ दो ली हैं क्योंकि बड़ी स्पाइसी हैं और साथ में मैंने लिया था आधा प्याज बस प्याज ज्यादा नहीं डालना वरना प्याज पानी रिलीज़ करता है और फिर आपके आलू के पराठे अच्छे नहीं बनते हैं साथ में हम लोग ले लेंगे नमक टू टेस्ट और आपने अपने हिसाब से डालना है मैंने तो लिया हाफ़ अ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा क्रश चिलीज जो होती हैं चिली फ्लेक्स वो मैंने लिए वन टी स्पून साथ में मैंने ले लिया था सूखे धनिया वन टी स्पून और सुर्ख चिली पाउडर मैंने ले लिया वन टी स्पून तो ये वाले जो पराठे होते हैं ना ये पता है क्योंकि जब आप आ, रोटी के अंदर रखते हैं ना किसी भी चीज़ को फिलिंग के तौर पर तो उसमें अगर वो स्पाइसीस कम होंगे ना तो वो आपको अच्छा नहीं लगता तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका फूड स्पाइसी बने और आप उसको इन्जॉय करें तो हमें तो ज़रा स्पाइसी मिर्ची ज़्यादा इसमें अच्छी लगती हैं अगर आपको नहीं अच्छी लगती हैं आपके बच्चे बच्चों को पसंद नहीं है तो जो भी मैंने आपको मिर्चों की क्वांटिटी बताई है उसको आप हाफ़ कर सकते हैं चाहे तो क्वार्टर कर लें और चाहे तो इसमें कोई एक चिली डाल लें दूसरी चिली आप इसको अच्छे से स्किप भी कर सकते हैं उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है लेकिन हम लोग चूँकि जरा स्पाइसी खाते हैं इसलिए मैंने तो दोनों तरह की चिलीज इसमें डाली हैं अब मैं इसको अच्छे से कर रही हूँ जी आ, मिक्स और ये हाथ से ही मिक्स करना पड़ता है अगर आप इसको चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे तो बिल्कुल भी अच्छा मिक्स नहीं होता तो जनाब मिक्स करके हमने इसको रख दिया था साइड पे अब मैंने क्या करना है आटा लिया और आटे के हम लोगों ने दो छोटे छोटे से हमने पेड़े बनाने हैं कुछ लोग एक ही पेड़े के अंदर उसकी फिलिंग करते हैं मैं दो पेड़ों में करती हूँ पहले एक रोटी बनाऊँगी इक्वल साइज़ की दूसरी रोटी बेलूँगी उसके अंदर मैं फिलिंग रखूंगी और बस हमारा पराठा हम लोग उसको फ्राई कर लेंगे उसको तवे पे डालेंगे और उसको थोड़ा अच्छा सा ऑयल डाल के या मक्खन डाल के जो भी आपको लगता। तो अच्छा लगता है मुझे तो ऑयल अच्छा लगता है तो इसलिए मैं ऑयल में बनी हुई चीज़ें खाती हूँ सिंपल तरीके से मज़ेदार तरीके से आपके ये बन जाते हैं जियालू के पंजाबी पराठे मज़ेदार रेसिपी है मैंने एक दफ़ा पहले शेयर की थी लेकिन मैंने पूरी उसकी रेसिपी नहीं दी थी तो आप लोगों ने कहा था कि गुल नेक्स्ट टाइम आप बनाए तो रेसिपी बताएगा क्योंकि हर देखें ये चीज़ें बड़ी कॉमन है आलू के पराठे मूली के पराठे किसी भी चीज़ के पराठे लेकिन हर इंसान का बनाने का तरीका डिफरेंट होता है कुछ लोग डिफरेंट तरीके से बनाते हैं कुछ आलू को पका के बनाते हैं कुछ कच्चे आलूओं को बनाते हैं कुछ आलू को, आलू को करते हैं जी आ, ग्रेट करते हैं कुछ आलू को मैश करते हैं तो डिफरेंट तरीके से बनते हैं तो हम लोग तो इस तरीके से बनाते हैं मैंने बचपन से ऐसे ही खाए थे तो मुझे तो ये जो तरीका और ये का जो है ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है तो बस है आप पराठे बनाएंगे पराठों को मैं करूंगी इंजॉय फिर मैं आपको दिखाऊंगी भी पराठे की फाइनल लुक क्योंकि मैं इसमें मसाला बहुत ज़्यादा डालती हूँ कुछ लोग कम मसाले वाले भरे पराठे खाते हैं हमारे घर में मसाला जितना ज़्यादा भरा होगा ना बिल्कुल कॉर्नर तक जाएगा तभी भरे पराठे खाए जाते हैं हमारे घर में और दूसरी चीज़ हमारे घर में जो एक होता है ना सॉफ्ट पराठे नरम पराठे वो नहीं खाए जाते हमारे घर में ये कहा जाता है कि अगर आपने फिल्ड पराठा भी बनाना है तो वो क्रिस्पी होना चाहिए तो उसको बनाने का एक तरीका है कि आपने जब इसको पकाना है तो आपने चूल्हे की आँच को अपने लो रखना है अगर आप तेज़ आँच पराठा बनाएंगे तो आपका पराठा कभी भी जिंदगी में क्रिस्पी नहीं बनेगा तो क्रिस्पी पराठा बनाने की एक ही टिप है वो है जी लो आंच हल्की आंच पे बनाएंगे हल्का हल्का आप पकाएंगे तो आपका पराठा कभी भी ढीला नहीं होगा और दूसरा क्या होता है जैसे आप पराठा बना के उसको तवे से उतारेंगे साथ ही आप लोगों ने पराठे को ओपन कर देना क्योंकि उसमें दो रोटियां होती हैं तो मैं आपको दिखाऊँगी मैं कैसे ओपन करती हूँ तो उसका जो सारी स्टीम होती है ना वो उस स्टीम उसकी बाहर निकलने दे इससे पराठा ठंडा नहीं होगा सिर्फ स्टीम नहीं रहेगी अंदर क्योंकि जैसे ही स्टीम अंदर होती है आप पराठे को बंद कर किए रखते हैं तो वो सारी स्टीम जो है वो अंदर वो उसकी वो नमी सी उसमें आ जाती है तो पराठा सॉफ्ट हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ी टिप है ये मुझे आई हैव नो आइडिया मुझे किसने बताई थी मैंने टी वी देखी थी मैंने इंटरनेट पर देखी थी या मेरी फ्रेंड ने किसी ने शेयर की थी मुझे बिल्कुल भी नहीं पता लेकिन इस चीज़ ने मेरी ज़िंदगी को चेंज कर दिया था तो जनाब ये देखिए पराठा हो चुका है रेडी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से बात करी थी देखिए जैसे पराठा बनाया इसको इस तरीके से हमें ओपन कर देना चाहिए ताकि जो इसकी स्टीम है वो सारी बाहर और देख लें, आप मसाला माशाल्लाह माशाल्लाह रोटी के एंड तक गया किनारों तक गया और रोटी फटी भी नहीं है तो ये चीज़ आपको वो ए, कहते हैं ना टाइम के साथ आती है मे बी फर्स्ट टाइम आप बनाएं तो आपसे इतना अच्छा ना बने क्योंकि जब मैंने भी पराठे बनाना स्टार्ट किए थे तो स्टार्ट में इतने अच्छे पराठे नहीं बनते थे लेकिन पराठे ये वो वाहीद चीज़ थी तो मैंने अपनी लाइफ में सबसे पहले सीखी थी क्योंकि मेरे भाई को बचपन में जब हम बिल्कुल यंग थे तो मेरे भाई को रात को कभी कभी खाने पर दिल करता था तो हमारी अगर घर में कोई और बनाने वाला नहीं होता तो मुझे मुझे बोलता था कि तुम पराठा बना जो है साथ में जो कुछ भी रात का सालन है मैंने वो खाना है तो मैंने उसके लिए पराठे बनाने स्टार्ट किए थे तब से पराठे मैंने बहुत अच्छे बनाने शुरू कर दिए थे तो मुझे ये एक चीज़ ये आती थी और एक पुलाव आता था दो चीज़ें मुझे शादी से पहले बनाना आती थी तो बस है ना आप ये वही वाली बात है प्रैक्टिस करते जाएँ चीज़ें आपकी ठीक होती जाती हैं अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी मैं साथ में बना रही हूँ जी आलू की क्रिस्पी टिक्कियाँ इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है तो ये सेम जो मैंने आलू बॉईल किए थे हाफ़ मैंने साइड पे कर लिए थे हाफ़ मैंने आ, इसके लिए यूज़ किए टिक्किियों के लिए और हाफ़ मैंने यूज़ किए थे आलू के पराठों के लिए तो ये खाएंगे गए मीका एलन बेब्रस क्योंकि उन लोगों को आलू के पराठे अच्छे नहीं लगते हैं तो बस हमारे घर में यही चीज़ है एक चीज़ बनाओ तो दो लोग खाते हैं और दो नहीं खाते हैं तो वही मैं ऐसा करती हूँ कि एक चीज़ को ही कैसे दो तरीक़ों से मैं सर्व कर सकूँ कि मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़े और सारी फ़ैमिली खुश भी हो जाए तो बस जनाब ये था हमारा ये हमने किया आज का डिनर जो आपके सामने मैंने बनाए पराठे और साथ में मैंने बनाई आलू की टिक्कियाँ और बहुत झटपट भी बन गई और वो मेरा वो कहते हैं ना वेजिटेरियन बनने वाला जो शौक है वो भी आजकल पूरा हो रहा है तो यही वाली बात है कि अगर कभी कभी आपका भी दिल करे ना तो इसमें कोई हर्ज नहीं होता कि आप सब जो मीट होता है उसको एक दफ़ा साइड पर रख दें और आप सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स खाएँ सब्जियाँ बनाएँ दालें बनाएं इस दाले तरह की चीज़ें बनाएँ तो बड़ा ही अच्छा लगता है आपको वो चेंज बड़ा अच्छा लगता है और मैं इस चेंज को बड़ा मैंने कल से इन्जॉय करना शुरू किया हुआ है और वाकई हमारे घर में भी सब लोग कहते हैं कि अम्मा क्या हो गया कि आप आजकल कुछ मीट की चीज़ नहीं बना रहे तो जाना बिल्कुल अपने बाबा जैसा यानी नहीं वो मीट ईटर है वैसे तो मैं खुद भी बहुत बड़ी मीट ईटर हूं लेकिन दाना अपने बाबा जैसा कि जहां पे आपकी प्लेट में बोटी खत्म हो जाती है वहीं पे उनका हाथ रुक जाता है उनको इतना पसंद है मीट वो बेशक चिकन हो बीफ हो मटन हो कुछ भी हो मेरे बच्चों को मटन ज्यादा पसंद नहीं और हम लोग ज्यादा शौक से नहीं खाते हैं बीफ और जो ए, चिकन एंड कीमा ये तीन चीज़ें हमारे घर में शौक़ से खाई जाती हैं तो जनाब खाना छाना खाया तो बाहर निकल आई हूँ बाहर निकल क्यों निकल आई क्योंकि जी को जो कैंकर सोर था जो मेरे पास घर में क्रीम पड़ी हुई थी जो मैं उसको लगा रही थी उससे उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था ज़्यादा तो भी मैं आई हूँ जी वॉलमार्ट की फार्मेसी पर जाऊँगी और वहाँ से जा मैं पूछती हूँ कि अगर कुछ ऐसी चीज़ है जो कि उसके लिए ठीक है उससे उसको फ़र्क पड़ जाएगा तो मैं ले लूँगी एक्चुअली मुझे ये लगता है कि बच्चे बेचारे जो है ना उनको जब किसी भी चीज़ का दर्द होता है तो उनसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा होता तो इसी वजह से वो बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो जबराइल का भी यही हाल है कि जब उसको कैंकर सोर हुआ तो शुरू शुरू में उसको इतना एहसास नहीं हुआ लेकिन कैंकर सोर का आपको पता है बड़ा दर्द होता है आप खा पी नहीं सकते हैं इवन बात करें तो समटाइम्स आपको दर्द फील होता है कि ये काम ख़राब हो रहा है मेरा तो मैंने कहा चलो जाती हूँ मैं कुछ और लेके आती हूँ ऑलरेडी घर में पड़ी थी कुछ मेडिकेशन जो मैं यूज़ कर रही थी लेकिन उससे उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा लेकिन मैंने कहा जाते हैं अगर कुछ डिफरेंट मिल जाता है तो वो ले लेते हैं अदरवाइज़ फिर वही कहते हैं कि इंतजार है क्योंकि इसमें आपको पता है अगर आपको आप अगर बाइट करते हैं कैंकर सो बन जाता है आपके मुंह के अंदर तो उसको टू टू थ्री वीक्स लगते हैं हील होने में कम्प्लीटली हील होने में तो बस यही रीज़न है लेकिन बच्चे समझते नहीं अम्मा कुछ और लेके आए मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो ये और वो मैं यहाँ पे आई तो मैंने कहा चलो फार्मासिस्ट से पूछ लेती हूँ क्योंकि फार्मासिस्ट आपको सही गाइड कर सकता है कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं मैं ऑलवेज़ जब भी कोई ओवर द शेल्फ मेडिसिन लेने आती हूँ तो मैं हमेशा फार्मासिस्ट से ज़रूर मशवरा कर लेती हूँ उसे पूछ लेती हूँ उसे हेल्प ले ले लेती हूँ कि जो वो कहेगा वो ख़रीद लूंगे तो ये है जी वो चीज़ जो हम लोग लेने आए हैं और ये इनमें से दो ये जो सेंटर वाली पड़ी है वो हमारे पास ऑलरेडी है और उससे जबराइल को फ़र्क नहीं पड़ा तो इसलिए मैंने सोचा चलो ये ले लेती हूँ हो सकता है इससे फ़र्क पड़ जाए आई हैव नो आइडिया कि हालाँकि जो ये मिडिल में पड़ी हुई थी वो सबसे अच्छी थी वो इतनी अच्छी थी कि जब हम लोगों ने ली थी डॉक्टर्स ने बोला था कि वो बेस्ट है इसके लिए कैंकर सोर्स के लिए लेकिन जिब्राइल को उससे फ़र्क नहीं पड़ा और जब मैं इधर आई तो मैंने डॉक्टर से पूछा तो फार्मासिस्ट से पूछा तो फावरस ने बोला कि अगर इसको इसके पेन को मोर देन ट्वेंटी फोर आवर्स हो गए हैं इस बाइट को तो इसको टू टू थ्री वीक्स लगेंगे ख़ुद ब खुद हील होने में आपको कोई मेडिकेशन नहीं चाहिए लेकिन मैंने कहा प्लीज़ कुछ दे दो क्योंकि मैं घर जाऊँगी तो फिर मेरी बेटी मुझे फिर कह गई अम्मा आप मेरी मेडिसन ले के आएं तो उसने बोला उसको बताओ थोड़ा आ, वो कहते हैं ना कि थोड़ा वेट करें थोड़ा वो आ, कहते हैं ना सुकून करें इन शी खुद ब खुद ठीक हो जाएगा लेकिन बच्चों से ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं और बच्चों से क्या हम लोगों से खुद भी बर्दाश्त नहीं होती हैं तो बस जना ये था। इस तरीके से मैंने आज अपनी गुजारी है शाम फ्राइडे था मॉर्निंग वही आपको पता है रूटीन की मैंने क्लिनिंग वगैरह की सारे काम किए सारे काम करने के बाद जब मैं फ्री हुई थी तो आ चुकी कुकिंग नहीं करनी थी कॉफी पीने चली गई थी आ, नहीं आलू मैंने पहले बॉयल कर लिए थे आलू पहले बॉयल किए थे आटा पहले गूँध लिया था लेकिन बाकी काम नहीं किए थे तो बाकी काम भी आके मैंने किए डन और जो झटपट में सारे काम हो गए जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत वाली चीज़ें बनाते हैं ना उन पर टाइम भी लगता है इन पर टाइम नहीं लगता तो बस है ना हम लोग पहुँच अब यहाँ से निकलेंगे थोड़ा घर जाते हैं घर जाने से पहले मैंने कहा थोड़ी सी ड्राइव भी कर लेंगे क्योंकि अब गाड़ी में बैठो रात का टाइम हो वीकेंड हो और आप ड्राइव ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता और मेरे लिए तो ड्राइव के बगैर वो कहते हैं ना जिंदगी नामकम्मल है <laughs> मुझे तो ड्राइव बहुत अच्छी लगती है मेरा दिल चाहता है कि मैं रोज़ ड्राइव पे जाऊं जो कि मैं जाती भी हूं कॉफ़ी के वक्त जाती हूं लेकिन ये जो वीकेंड की रात की ड्राइव होती है ना ये बड़ी मज़े की लगती है हल्का सा म्यूज़िक आप लगा लें और वो सुनसान सड़कें होती है उस पर ड्राइव करना बड़ा मज़ा आता है तो चलें सर आप यहीं पे मैं करती हूँ अपने व्लॉग का एंड उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग भी आपको हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मैं मिलती हूँ कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए ब्लॉग के साथ तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल मुझे रखिएगा दुआओं में याद टेक केयर जी अल्लाह